पीएम मोदी की भविष्यवाणी को विपक्ष ने किया सच साबित। संसद में आखिर क्यों नहीं दिखाई दे रहा विपक्ष का हंगामा? संसद के अंदर विपक्ष के नहीं दिखाई दे रहे प्लेकार्ड। 5 साल पहले पीएम मोदी ने संसद में ऐलान किया था कि हमारी सरकार लौट रही है और जब 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे तो उससे साल भर पहले 2023 में विपक्ष मेरी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा। और पीएम मोदी की ये भविष्यवाणी आज सच साबित हो गई है। विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव ले आया है। यानी आज से करीब 5 साल पहले ही पीएम ने भविष्यवाणी कर दी थी कि विपक्ष 2023 में फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। जी हाँ, आज मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय में नोटिस दिया जा चुका है। 2019 में अपने धारदार स्पीच के दौरान मोदी ने कई बातें कही थी। तारीख थी 7 फरवरी 2019 और मोदी ने कहा था, आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। इस पर कुछ सदस्य ठहाका लगाने लगे थे। बगल में बैठे राजनाथ सिंह मुस्कुरा दिए थे। दरअसल विपक्ष पिछले 4 दिनों में संसद में हंगामा मचाए हुए है। वो मणिपुर मामले में नियम 267 के तहत चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में साफ कर चुके हैं कि नियमों के अनुसार चर्चा कराई जाएगी। मणिपुर पर सरकार चर्चा को तैयार है, लेकिन जिस विभाग के संबंध में चर्चा होती है उसी संबंधित मंत्री चर्चा का जवाब देता है। हम तैयार है, विपक्ष भी चर्चा के लिए तैयार हो जाए, लेकिन विपक्ष संसद में पीएम मोदी के बयान पर अड़ा हुआ है और इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव ले आया है। यानी अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष मोदी को लोकसभा में मणिपुर पर बयान दिलवाने की कोशिश करेगा। वैसे सदन में अब तक नजारा भी दिखाई दे रहा है। विपक्ष जमकर प्रदर्शन कर रहा है, संसद में हंगामा मचाए हुए, लेकिन लोकसभा से जो तस्वीरें वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें विपक्षी सांसदों का हंगामा नहीं दिख रहा है। उनकी नारेबाजी की आवाज तो आ रही है, लेकिन फोटो नहीं आ रही है। अब तक जितनी देर भी सदन चला उतनी देर विपक्षी सांसद वेल में खड़े होकर नारेबाजी करते रहे और प्लेकार्ड लहराते रहे। इसमें इंडिया फॉर मणिपुर, प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ो, प्रधानमंत्री मणिपुर मुद्दे पर बोले जैसे स्लोगन लिखे थे, लेकिन ये टीवी पर दिखाई नहीं दिए। विपक्ष की तमाम कोशिशों के बाद भी देश के लोग उनका सदन के अंदर विरोध प्रदर्शन नहीं देख पा रहे हैं। लोकसभा की लाइव कार्यवाही के जरिए देश देखता है सदन के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन इसमें लोकसभा स्पीकर की चेयर के ठीक सामने वेल को नहीं दिखाया जा रहा है, जिसमें सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष लगातार नारेबाजी कर रहा है। मंगलवार को जब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल पर चर्चा हो रही थी तब भी विपक्ष ने कैमरे की पोजीशन को देखते हुए अपने नारे लिखे हुए प्ले कार्ड दिखाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के इस बिल को पेश करने के बाद बीजेपी के संजय जायसवाल और अपराजिता सारंगी ने इस पर चर्चा में हिस्सा लिया। इस बिल पर बोलने की बारी विपक्षी महिला सांसद की आई तो कैमरा उनके ऊपर फोकस हुआ। इसी का फायदा उठाते हुए कांग्रेस सदस्य प्ले कार्ड के साथ उनके पीछे खड़े हो गए, लेकिन कैमरे ने तुरंत अपना फोकस बदल दिया। इसके बाद बीएसपी के मलूक नागर ने अपनी बात शुरू की। कैमरे ने उन्हें दिखाना शुरू किया और कांग्रेस सांसद के प्ले कार्ड के साथ उनके पीछे खड़े हुए तो मलूक नागर ही फ्रेम से गायब हो गए। कैमरे ने सत्ता पक्ष के सांसदों की तरफ फोकस कर दिया। कांग्रेस सांसद राम्या और ज्योतिमणि ने कैमरे का एंगल देखकर आसन के सामने अपने प्ले कार्ड लहराए, लेकिन उनके लगातार प्ले कार्ड दिखाने के बावजूद कैमरे ने उन्हें कैप्चर नहीं किया। बिल पर चर्चा के दौरान ही कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अपने टेबल पर सदन के एजेंडे की कॉपी फाड़ी और उसे वेल पर फेंक दिया, लेकिन कैमरे को जो दिखाना था वो दिखाई दे रहा था और विपक्ष जो चाहता था वो सब कैमरे से गायब दिख रहा था।